नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी 7 न्यूज। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का हुआ समापन सुजानगंज जौनपुर क्षेत्र के बराई पार के इटाहा गांव में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। कथा में वृंदावन से पधारे स्वामी संजीव कृष्ण जी महाराज अपने मुखारविंदों से सभी श्रोताओं का भगवान कृष्ण के अलग अलग लीलाओं व उनकी महिमाओं का वर्णन कर भाव विभोर कर दिया। श्री स्वामी जी ने बताया भगवान और भक्त में कैसे बहती है भक्त की रसधारा और वो भक्तों को कैसे उनके दुखों को हरने की तरह तरह की लीलाओं में प्रकट होकर उनके कार्य में सहायक होते हैं। भगवान कृष्ण कलयुग में भी सभी जीवों में व्याप्त हैं, पृथ्वी के कण कण में उनका वास है और जो कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखता है, कथा की ध्वनि उनके परिवार में ही नहीं बल्कि जहाँ तक ये आवाज सुनाई पड़ती है वहाँ तक सभी प्रकार के विपदा कष्ट द्वेष नष्ट हो जाते हैं। इसी क्रम में श्री स्वामी जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में जीवों को काम क्रोध मद लोभ मोह से जीवन पर्यंत मोक्ष की प्राप्ति के सूत्र हैं। जीवन में जीव का जब प्राण निकल रहा हो उस समय क्या करना चाहिए, जीव को अपने मन को वश में करके भगवान के चरणों में प्राण त्याग करने से जीव को मुक्ति मिल जाती है। कथा विराम के दिन श्री स्वामी जी द्वारा बांके बिहारी के विवाह व उनकी 16108 रानियों के साथ वैवाहिक जीवन, राजा परीक्षित, मोक्ष व मुख्य रूप से सुदामा चरित्र आदि प्रसंगों पर चर्चाएं कर भक्तों की कथा का रसपान करवाया। कथा के अवसर पर पहुंचे अजय शंकर दुबे जी, मुंबई से पधारे श्री वत्स कुमार यादव जी, श्री आर के सिंह साहब आदि गणमान्य कथा श्रवण कर स्वामी जी से आशीर्वाद लेकर मुख्य यजमान सुदामा पाठक जी ने भागवत गीता देकर सम्मानित किया। न्यूज रिपोर्ट संवाददाता जेपी 7 न्यूज के साथ मैं शिवम पांडे। सुदामा पाठक, मैं वैद्य गाने के उपरांत श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहा हूँ जो हमारे संजीव कुमार शास्त्री वृंदावन से पधारे हैं और उनकी अमृत वाणी निरंतर आज 7 दिन से चल रही है। यह आज अंतिम है, आज अंतिम है, आज का दिन अंतिम है। 25 तारीख को आज कथा का समापन है, कल 26 तारीख को हवन, 27 तारीख को महाप्रसाद का विध भंडारा किया जाएगा। विश्वविद्यालय जहाँ में सहायक अध्यापक पद पर अध्यापक हूँ और इस पावन अवसर पर हमारा विद्यालय परिवार और हमारे बच्चे इस अमृत वर्षा तुल्य जो शास्त्री जी द्वारा हमको सुनने को मिल रहा है, हम और हमारा इस पूरा क्षेत्र ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन में परिवर्तन हो रहा है और इस भागवत कथा से जीवन में ऐसा अनुभव हो रहा है कि जो मानव मूल्य हैं जो कहीं बिखर गए हैं तो कथा सुनने से वो मानव मूल्य हम और हमारा इस पूरा परिवार जो है आनंद की अनुभूति कर रहा है। जब से भागवत कथा आज का 7वां दिन है और आज से 7वें दिन तक जितना भी कथा सुना और क्षेत्रवासियों ने बहुत ही संयम तरीके से हम लोगों ने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भागवत, जय गया जी भाग। हाँ गुरु जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संजीव कृष्ण शास्त्री जी महाराज है, श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए हैं जी। ये हमारे कहने मतलब ये जो श्री राम भागवत कथा चल रहा है और राम कथा और श्री भागवत कथा में क्या अंतर है? श्रीमद् भागवत महापुराण में और श्री रामचरित मानस में अंतर यही है कि श्री रामचरित मानस की कथा श्रवण करने से हमें ये जीवन में सीख मिलती है कि जीवन जीना कैसे चाहिए और श्रीमद् भागवत महापुराण से हमें सीख ये मिलती है कि जीव को मृत्यु को महोत्सव मुक्ति का उपाय कैसे है उसके विषय में जानकारी भागवत जी में मिलता है। क्योंकि परीक्षित जी सुखदेव जी से यही पूछते हैं, महाराज ऐसा संस्मरणात् पुंसाम, एक बात बताइए कि जीवन में जीव का प्राण निकलने वाला हो तो उस समय क्या करना चाहिए जिससे उसको मुक्ति मिल जाए। बोले जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय, अपने मन को अपने बस में करके परमात्मा के चरणों में लगा दो तो मुक्ति आराम से उसको मिल जाती है। ये कथा कितने दिन से चल रहा है? आज कथा विराम लेगी, आज 7वां दिन है। आज कौन सा प्रसंग चल रहा है? आज के दिन
सुदामा चरित्र की कथा होगी मुख्य रूप से, और परीक्षित जी का मोक्ष होगा, और बाकी बिहारी लाल जी के विवाह के विषय में चर्चाएं की जाएंगी, उनका दाम्पत्य जीवन कैसे रहा उन राजकुमारियों के साथ, 16,108 राजकुमारियों।